फ्रेंड्स, मैं राजन। इस वीडियो में हम सीखेंगे नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट का यूज करके हम बाकी गेट्स का आउटपुट किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो गेट हम बनाने वाले हैं वो है नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। तो देखिए किस तरह से बनेगा। देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रुथ टेबल बनाया है नैंड गेट का। तो ट्रुथ टेबल का पहला रो अगर आप ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पे हमें एक सिंपल सा कंक्लूजन मिलेगा कि दोनों इनपुट अगर कॉमन है, ठीक है ना, दोनों इनपुट अगर कॉमन है तो आउटपुट उसके उल्टा आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ए इज इक्वल टू जीरो है, बी इज इक्वल टू जीरो है, तो आउटपुट क्या आ रहा है, वन, ठीक है ना। लास्ट रो में अगर आप देखते हो, ए इज इक्वल टू वन है, बी इज इक्वल टू वन है, तो आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि नैंड गेट के दोनों भी इनपुट क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तो देखिए किस तरह से, ये हमारा नैंड गेट, सॉरी, ये हो गया इसका आउटपुट। इन नैंड गेट के दोनों भी इनपुट, इनको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे और एक कॉमन इनपुट इसमें से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये यहाँ पे हमारा सपोज इनपुट x है, इनपुट क्या है, x है, दिस इज आवर इनपुट a, दिस इज आवर इनपुट b। अगर x इज इक्वल टू जीरो होता है तो a इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो और b इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। देखिए यहाँ पे ट्रुथ टेबल में a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो के लिए आउटपुट क्या रहेगा, वन, विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ और इनपुट जीरो। अगर अगर x इज इक्वल टू वन रखते हैं तो a इज इक्वल टू वन हो जाएगा और b इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, बराबर है। a इज इक्वल टू वन और b इज इक्वल टू वन के लिए आउटपुट क्या है ट्रुथ टेबल में हमारा, जीरो। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो। ये भी क्या है, इनपुट वन का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नैंड गेट को नॉट गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। दूसरा गेट हम देखेंगे, एंड गेट यूजिंग नैंड। तो देखिए, हमें पता है नैंड गेट क्या है, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट। सीधी सीधी भाषा में अगर बताना चाहूंगा मैं आपको कि नैंड गेट क्या है, एंड गेट का उल्टा है, ठीक है ना। तो उल्टे का उल्टा सीधा, इसका मतलब हम क्या करेंगे, नैंड गेट को उल्टा कर देंगे, मतलब नैंड गेट को नैंड गेट के सामने नॉट गेट लगा देंगे, बराबर है। तो देखिए, ये हमारा नैंड गेट यहाँ पे, ये हमारा सिंपल नैंड गेट, इनपुट ए, इनपुट बी। अभी इसके सामने हमने नॉट गेट लगाना है, ठीक है ना। लेकिन हमें, हमारी कंडीशन क्या है कि हमने क्या करना है, एंड गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट। तो जो नॉट गेट लगेगा वो भी कौन सा लगेगा, नैंड गेट वाला, मतलब जो ऊपर हमने बनाया था वो वाला। तो ये देखिए, इसके सामने नॉट गेट बना दिया, तो ये हो गया हमारा एंड गेट, बराबर है। तो ये था हमारा एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट, ओके। तो इसके पहले मैं आप लोगों को डिमॉर्गन्स थ्योरम रिवाइज कराना चाहूंगा। हमने डिमॉर्गन्स थ्योरम लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड। देखिए, ये हमारा नॉर गेट का आउटपुट स्टेटमेंट, विच इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड, बराबर है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एंड गेट लेंगे और एंड गेट के इनपुट में नॉट गेट लगा देंगे। तो एंड गेट का क्या डायग्राम था हमारा, ये देखिए। तो यही एंड गेट हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारा, ये बन गए नैंड, इसके सामने नॉट लगा दिया तो ये बन जाएगा एंड गेट, बराबर है। अभी इनपुट में हमने क्या करना है, नॉट गेट लगा देना है, क्योंकि इनपुट कैसे चाहिए, बबल्ड चाहिए। तो नॉट गेट कौन सा यूज करेंगे, जो यूजिंग नैंड हमने बनाया था, देखिए इनपुट में नैंड आ गए फिर से, सॉरी नॉट आ गए, यहाँ पे फिर से इनपुट में नॉट, ओके, यहाँ पे इनपुट दे दिया ए, यहाँ पे इनपुट दे दिया बी, बराबर। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, नॉर गेट बनाएंगे यूजिंग
नैंड गेट, ये हो गया हमारा एंड गेट का ब्लॉक। डी मॉर्गन्स थ्योरम ध्यान में रखना इसके लिए बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम कि नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल, एंड यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे कि जिसके वजह से हमें नॉर गेट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बनाएंगे और गेट। अब यहाँ पे फिर से कॉम्प्लीमेंट वाला कंसेप्ट हमें पता है, और नॉर गेट क्या था, नॉर गेट और गेट का कॉम्प्लीमेंट था, तो और गेट भी क्या रहेगा, नॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट रहेगा। फिर से उल्टे का उल्टा मतलब सीधा, तो यही नॉर गेट हमने लेना है, इसको उल्टा कर देना है, बराबर है। अभी देखिए ये नॉर गेट में आखिरी में हमने नॉर गेट लगाया, अभी इसके सामने फिर से नॉट गेट लगाइए, या तो फिर ये नॉट गेट हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये नॉट गेट रिमूव कर देंगे। बाकी बची डायग्राम किसकी रहेगी, हमारे और गेट की। This will be our OR gate. तो अगर इसको verify भी करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे input में दो NOT gate लगे हैं, यहाँ पे input A बार आ जाएगा, यहाँ पे input B बार आ जाएगा, इसके बाद में क्या है, NAND gate लगा है, तो NAND gate का output क्या रहता है, A dot B bar, लेकिन इसकी input क्या है, A bar B bar, तो इसका output क्या रहेगा, A bar dot B bar whole bar, या तो फिर whole complement। इसको फिर से हम डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे, कौन सा, दूसरा वाला, जिसके मतलब जिसका जो क्या था, ए डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डबल बार प्लस बी डबल बार, बराबर है। इसके बाद में डबल बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी, तो ये हो गया हमारा और गेट। तो इस तरह से हम एंड गेट की मदद से बाकी लॉजिक गेट्स का आउटपुट भी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक। थैंक यू वेरी मच।